हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल सोर्सेस ऑफ ड्रग। सोर्सेस मतलब होता है ड्रग हमको कहाँ से, मीन्स किस चीज से ऑप्टेन हो रहा है, उसको हम सोर्सेस कहते हैं। और नेचुरल सोर्सेस मतलब होता है ड्रग हमको नेचर से कहाँ से ऑप्टेन हो रहा है, उसको हम नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग में पढ़ते हैं। और ड्रग, हमने आपको पहले भी बताया था, ड्रग ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम मेनली यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ डिसीज एंड एलमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग है वो है प्लांट सोर्स। प्लांट्स का कोई स्पेसिफिक पार्ट या प्लांट से कोई डिराइव सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। दूसरा जो सोर्स है वो है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स मीन्स एनिमल्स से कोई पार्ट या ऑर्गन को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। उसके बाद थर्ड है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स में आता है अर्थी सोर्स, मीन्स रॉक्स और माउंटेन्स से जो मिनरल्स मिलते हैं उसको यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फंगस को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, जिससे बहुत सारे ऐसे ड्रग आइसोलेट किए जाते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स। तो ये हो गया माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मरीन सोर्स। मरीन सोर्स मतलब एक्वेटिक सोर्स। एक्वेटिक सोर्स मतलब सी ओशंस में जो रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, मतलब उसको यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, जिसको हम मरीन ड्रग्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में। प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग को समझाने के लिए हमने यहाँ पे बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं, ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जो हम उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बहुत से ऐसे इलनेस या एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए, छोटी मोटी बीमारी को ठीक करने के लिए हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, इसको यूज़ करते हैं कफ एंड कोल्ड रेमिडीज़ के लिए। उसके बाद हम जैसे एलोवेरा के जो जूस होता है, उसके पत्ती का जो जूस होता है, उसको यूज़ करते हैं जनरल स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे कि टर्मरिक को छोटे मोटे घाव या चोट लग जाने पर उसको टर्मरिक के पाउडर को यूज़ किया जाता है। तो इन्हीं डेली लाइफ के एग्जांपल्स को हमने यहाँ पे प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग को समझाने के लिए लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्लांट्स का कोई होल पार्ट या कोई स्पेसिफिक पार्ट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। तो सबसे पहला जो एग्जांपल लिया है वो है हमने फ्लावर, क्लोव। क्लोव का जो फ्लावर बड होता है उसको यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, क्योंकि क्लोव के फ्लावर बड में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। ऑयल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। और क्लोव को यूज़ करते हैं एज अ कार्मिनेटिव, इसको यूज़ किया जाता है एज अ डेंटल एनाल्जेसिक। डेंटल एनाल्जेसिक मतलब दांत के दर्द के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और कार्मिनेटिव मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसको यूज़ करते हैं ताकि गैस फॉर्मेशन जो है जीआईटी ट्रैक में गैस फॉर्मेशन प्रिवेंट हो, मीन्स गैस फॉर्मेशन होने नहीं देता, और अगर गैस फॉर्मेशन हो गया है जीआईटी में तो उससे रिलीफ दिलाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को कार्मिनेटिव कहते हैं। तो क्लोव को यूज़ किया जाता है ऐसे कार्मिनेटिव। और नेक्स्ट एग्जांपल लिया है हमने हिबिस्कस। हिबिस्कस को फ्लावर को में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज़ किया जाता है जीआईटी अल्सर में, उसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके लीफ पार्ट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है सेना का लीव को यूज़ करते हैं एज अ लैक्सेटिव, मीन्स इसमें लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है। लैक्सेटिव मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसको यूज़ करने पे वो जो स्टूल होता है, स्टूल को सॉफ्ट करता है, लूज करता है और बॉयल मूवमेंट को इंक्रीज़ करता है, ताकि जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। कॉन्स्टिपेशन मतलब जो कब्ज की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए सेना के लीव्स को यूज़ किया जाता है। और इसी सेना के लीव्स को ऐड करते हैं बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जैसे कि कायम चून, नित्यम चून में, जिसको कब्ज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है तुलसी। तुलसी के पत्ते में बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इसको बहुत से स्किन डिसीज़ में यूज़ किया जाता है। और इसको यूज़ किया जाता है कफ एंड कोल्ड रेमिडीज़ में भी यूज़ किया जाता है तुलसी के पत्ते को। साथ ही साथ तुलसी के पत्तों को ऐसे माउथ वॉश या माउथ फ्रेशनर यूज़ किया जाता है, जिससे वो जो डेंटल कैविटीज, बैक्टीरिया के ग्रोथ की वजह से जो डेंटल कैविटीज या डेंटल कैरीज, डेंटल प्लेक होता है, उसको ठीक करता है ये तुलसी का पत्ता। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटलिस। डिजिटलिस के जो लीव होता है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी।
कार्डियोटोनिक मतलब होता है हार्ट टोनिक, मीन्स ये कार्डिक मसल्स को, मीन्स हार्ट के मसल्स को स्ट्रांग बनाता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पम्प कर सके, ताकि डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उसमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड को सप्लाई कर सके ये हार्ट, तो इसी को हम कार्डियोटोनिक बोलते हैं। तो डिजिटलिस के लीफ को एज अ कार्डियोटोनिक यूज़ किया जाता है। उसके बाद और भी दूसरे एग्जाम्पल है लीफ के, जैसे यूकिलिप्टस के लीफ। यूकिलिप्टस के लीफ मतलब कि नीलगिरी के पत्ते को यूज़ करते हैं। नीलगिरी के पत्ते में जो ऑयल प्रेजेंट होता है, जिसको हम वोलेटाइल ऑयल बोलते हैं, उसको यूज़ किया जाता है बहुत से ऐसे कफ रेमिडीज़ में यूज़ किया जाता है, और उसको ऐसा पेन बाम में भी यूज़ किया जाता है, मतलब दर्द के लिए जो बाम बनाया जाता है, ऑइंटमेंट बनाया जाता है, उसमें भी यूकिलिप्टस के ऑयल को यूज़ किया जाता है, जैसे कि नेसल सिरप, विक्स वेपरअप और झंडू बाम, इसमें जो है यूकिलिप्टस के ऑयल को ऐड किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है फ्रूट्स। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके फ्रूट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, जैसे कि कोरिएंडर का फ्रूट, फेनल का फ्रूट और आंवला, आंवला का फ्रूट और बेल का फ्रूट को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। उसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके बार्क को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। बार्क के जैसे एग्जाम्पल लिए हैं अर्जुना बार्क, अर्जुना के बार को यूज़ करते हैं एज अ कार्डियोटोनिक, हमने यहाँ पे कार्डियोटोनिक का मतलब आपको बताया था। उसके बाद अशोका, अशोका को बार को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। अशोका के बार में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, और अशोका को मेनली यूज़ किया जाता है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए, मीन्स जो भी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए अशोका को यूज़ किया जाता है, अशोका के बार को। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिए हैं सिन्नामन। सिन्नामन मतलब होता है दालचीनी। दालचीनी में बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, और उसको भी यूज़ किया जाता है एज अ कार्मिनेटिव, और उसको भी बहुत से ऐसे बाम या ऐसे प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है जिसको पेन के लिए ऐसा एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंकोना। सिंकोना को यूज़ किया जाता है एज अ एंटी मलेरियल ड्रग। उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है रूट्स। बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं जिसके रूट को स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, जैसे कि सर्पगंधा। सर्पगंधा के रूट को यूज़ करते हैं एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। उसके बाद राइजोम्स, बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं जिसके राइजोम्स को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, जैसे कि यहाँ पे जिंजर। जिंजर को यूज़ करते हैं बहुत से ऐसे कफ और कोल्ड रेमेडीज़ में। उसके साथ ही जिंजर को यूज़ किया जाता है ऐसे कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव का मतलब हमने आपको बताया था, और उसको यूज़ किया जाता है, मीन्स जिंजर के पाउडर को यूज़ किया जाता है इन द मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस मतलब होता है अगर हम ट्रेवलिंग करते हैं किसी कार या किसी बस में, ट्रेन में या प्लेन में, तो जो नौजिया की फीलिंग होती है, नौजिया या जो डिजीनियस फीलिंग होती है, मीन्स वोमिटिंग जैसा फील होता है, जो सर चकराता है, इसी को हम मोशन सिकनेस कहते हैं। तो जिंजर के जो पाउडर है, वो जिंजर के पाउडर को यूज़ किया जाता है इन द मोशन सिकनेस में। और नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक में बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से उसको यूज़ करते हैं इन द कट्स और वुंड्स में, उसको यूज़ किया जाता है टर्मरिक के पाउडर को। तो ये हो गया एग्जांपल्स डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और उसके पार्ट्स जिसको यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। हमने यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, और उन एग्जांपल्स में, उन क्रूड ड्रग के एग्जांपल में हमने ये भी बताया है कि उसमें क्या ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से उसकी थेरेप्यूटिक या मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है लीव्स का। लीव्स में हमने एग्जांपल लिया है डिजिटलिस। डिजिटलिस में प्रेजेंट होता है, मीन्स डिजिटलिस के लीव्स में प्रेजेंट होता है डिजिटॉक्सिन, और इसी डिजिटॉक्सिन की वजह से इसकी कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिया है सेना। सेना में प्रेजेंट होता है केमिकल, एक्टिव केमिकल जिसका नाम है सेनोसॉइड, और इसी सेनोसॉइड की वजह से इसकी लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, मीन्स इसको यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, दैट इज कब्ज। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है हमने फ्लावर। फ्लावर में हमने एग्जाम्पल लिया है क्लोव का फ्लावर बर्ड, और ये जो क्लोव में जो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, मीन्स इसमें जो तेल प्रेजेंट होता है, उसमें जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसका नाम है यूजेनॉल, और इसी यूजेनॉल की वजह से इसकी डेंटल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से इसको टूथेक, मीन्स दांत के दर्द में यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रूट्स। फ्रूट्स में हमने एग्जाम्पल लिया है ओपियम। ओपियम जिसको हम हिंदी में अफीम कहते हैं, यह अफीम हमको ऑप्टेन होता है पेपेवर सोमनीफेरम के प्लांट्स में, जो फ्रूट्स होते हैं जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, उस कैप्सूल का जो कट करने के बाद जो लेटेक्स ऑब्सेंट होता है, उस लेटेक्स को ड्राई करने के बाद वो जो ऑप्टेन होता है उसी को हम ओपियम या अफीम कहते हैं, और उसी ओपियम जो है, अफीम जो है ऐसा सोर्स ऑफ ड्रग है, मीन्स उसी से आइसोलेट किया जाते हैं बहुत सारे ऐसे ड्रग जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, थिबिन, नारसिन, नारकोटीन। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मॉर्फिन का। तो ये मॉर्फिन जो ड्रग जो ओपियम से आइसोलेट करते हैं, उसको यूज़ किया जाता है एज अ पोटेंट एनाल्जेसिक। पोटेंट एनाल्जेसिक मतलब उसको दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद
आंवला, आंवला बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। आंवला का जो फ्रूट होता है उससे विटामिन सी मिलता है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं उसको ऑक्सीडेशन मीन्स डैमेज होने से बचाते हैं डिफरेंट केमिकल्स, ये कह सकते हैं फ्री रेडिकल से। उसके बाद नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है फ्रूट का बेल। बेल के फ्रूट में प्रेजेंट होता है मर्मिसिन एंड एगिलीन और ये दोनों केमिकल्स की वजह से उसकी एंटी डिसेंट्रिक और एंटी डायरियल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से उसको डायरिया और डिसेंट्री के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत अच्छी हेपेटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, मीन्स हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है सीड्स। कैस्टर के जो सीड्स होते हैं उससे जो ऑयल निकलता है उसमें प्रेजेंट होता है रिजिनोलिक एसिड और इसी रिजिनोलिक एसिड की वजह से कैस्टर ऑयल की जो है लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है और इसको यूज़ किया जाता है एज अ लैक्सेटिव, मीन्स इसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इन द कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है मस्टर्ड। मस्टर्ड में जो प्रेजेंट होता है मीन्स मस्टर्ड के जो ऑयल में ऑलिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसके एंटी अर्थराइटिस प्रॉपर्टी होती है, मीन्स एंटी अर्थराइटिस मतलब अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है रूट। रूट में हमने एग्जांपल लिया है रॉल्फिया। रॉल्फिया के रूट में प्रेजेंट होता है केमिकल जिसका नाम है रेजपिन और इसी रेजपिन की वजह से इसकी एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मीन्स रेजपिन हाइपरटेंसिव होता है मीन्स ब्लड प्रेशर को कम करता है, इसी कारण से इसको यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मीन्स हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिया है हमने इपेकाक। इपेकाक के जो रूट है उसमें प्रेजेंट होता है इमेटिन और इसी इमेटिन केमिकल की वजह से ये जो है यूज़ किया जाता है एज अ इमेटिक्स। इमेटिक्स मतलब वोमिटिंग इंड्यूस करने वाले ड्रग, मीन्स अगर कोई एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो गई है तो स्टमक से या जीआईटी से उस पॉइजन को रिमूव करने के लिए इमेटिक्स यूज़ किए जाते हैं और इसी इपेकाक के रूट को यूज़ किया जाता है एज अ इमेबिक डिसेंट्री। इमेबिक डिसेंट्री में यूज़ किया जाता है मतलब इमेटिन जो है इमेबसाइडल प्रॉपर्टी होती है, अमीबसाइड को किल करता है, इसी कारण से इसको इमेबिक डिसेंट्री में यूज़ किया जाता है। हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है अश्वगंधा का रूट। अश्वगंधा का रूट जो है सोर्स होता है विधेनोलॉइड्स का और ये जो विधेनोलॉइड्स होते हैं ये विधेनोलॉइड्स की एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी मतलब कि हमारे बॉडी को बहुत से ऐसे स्ट्रेस कंडीशन से अडेप्ट करवाता है, मीन्स इसकी एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी होती है, मीन्स स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए अश्वगंधा के रूट को यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और उनके एग्जाम्पल्स और उसमें क्या ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी थेरेप्यूटिक या मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सोर्स ऑफ ड्रग। नेक्स्ट सोर्स ऑफ ड्रग है एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग। एनिमल्स के स्पेसिफिक कोई पार्ट या उसके ऑर्गन्स या उसके एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, जैसे कि एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो सबसे पहला जो एग्जांपल हमने लिया है एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग में वो है पैनक्रियास। वैसे ऐसे कैटल या पिक के जो पैनक्रियास है उसको यूज़ किया जाता था एज अ सोर्स ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन मतलब होता है हार्मोन, ऐसा हार्मोन जिसको यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस को ठीक करने के लिए इंसुलिन को यूज़ किया जाता था और उसको आइसोलेट किया जाता एनिमल्स के जैसे कैटल और पिक के पैनक्रियास से। लेकिन अब जो है इंसुलिन को बनाया जाता है बाय द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, मीन्स बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से इस इंसुलिन की सिंथेसिस की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के ब्लड को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन और ये वैक्सीन्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ डिसीज। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स ऑफ ड्रग है शिप थायरॉइड। शिप या पिक के थायरॉइड को यूज़ किया जाता था एज अ सोर्स ऑफ थायरोक्सिन और ये थायरोक्सिन हार्मोन को यूज़ किया जाता है इन द थायरॉइड इनसफिशियंसी। अब नाउएडेज थायरोक्सिन का सिंथेटिक फॉर्म बनाया जाता है, मीन्स सिंथेटिक थायरोक्सिन बनाया जाती है जिसको हम लियोथायरोक्सिन बोलते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है इन द थायरॉइड इनसफिशियंसी। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स ऑफ ड्रग है कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल, यहाँ पे जो कॉड है इसका मतलब होता है फिश, एक तरीके का फिश है जिसको हम कॉड बोलते हैं और उसके लीवर ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये लीवर ऑयल जो है सोर्स होता है विटामिन ए और विटामिन डी का। विटामिन ए हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही हमारे विजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और बोन फॉर्मेशन और बोन को स्ट्रांग बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स है स्टमक टिश्यू।
बहुत से ऐसे एनिमल टिश्यू जैसे कैटल या पीक के स्टमक टिश्यू जो सोर्स होते हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन के लिए। ये दोनों पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो एंजाइम्स होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव जूस में और ये यूज़ किए जाते हैं इन द पेप्टिक डिसीज। नाउ ए डेज बहुत सारे ऐसे ड्रग अवेलेबल हैं जो ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो कि शिप थायराइड से आइसोलेट किया जाता था उसको रिप्लेस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सोर्स होता है ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लिवर पेन के लिए। लिवर पेन मीन्स एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जो लिवर पेन होता है उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है और दूसरा लैक्टेशन कॉज करने के लिए। लैक्टेशन मतलब मिल्क फॉर्मेशन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। और ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाता है इन द पोस्टपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज मतलब जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है ऑक्सीटोसिन को एज अ हार्मोन एज अ ड्रग। और ये ऑक्सीटोसिन को नाउ ए डेज सिंथेटिक मेथड से उसको प्रिपेयर किया जाता है मीन्स लैब में इस ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन एंड एड्रिनलिन। ये एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन जो है एड्रिनल ग्लैंड से हमको आइसोलेट होता है और इसका सोर्स होता है एड्रिनल ग्लैंड और इसको यूज़ किया जाता है इन द एक्यूट अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ ए डेज इसको भी एड्रिनलिन मीन्स एपिनेफ्रिन को भी लैब में सिंथेसिस की जाती है मीन्स सिंथेटिक मैथड से इसको बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूरिन ऑफ प्रेगनेंट वुमेन या हॉर्स सीरम। यूरिन ऑफ प्रेगनेंट वुमेन या हॉर्स सीरम सोर्स होता है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जिसको यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पेनक्रियास ऑफ पीक। पेनक्रियास ऑफ पीक को यूज़ किया जाता था एज अ सोर्स ऑफ पेनक्रियाटीन और इसको यूज़ किया जाता है इन द पेनक्रियाटाइटिस ट्रीटमेंट मतलब पेनक्रियास में जो इन्फ्लेमेशन जो हो जाता है इन्फेक्शन जो जाता है उसको ठीक करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ ड्रग है वो है ह्यूमन प्लाज्मा। ह्यूमन प्लाज्मा सोर्स होता है मीन्स एनिमल के प्लाज्मा सोर्स होता है फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनोलाइसिन मतलब होता है फिब्रिन मीन्स होता है क्लॉट और लाइसिन मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जो ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता है इसको हम थ्रोम्बोसिस कंडीशन बोलते हैं और इसी थ्रोम्बोसिस को ठीक करने के लिए फिब्रिनोलाइसिन यूज़ किया जाता है। और इस फिब्रिनोलाइसिन को आज बहुत से ऐसे बैक्टीरियल मीन्स स्पेसिफिक बैक्टीरिया के कल्चर से उसको फिब्रिनोलाइसिन को आइसोलेट किया जाता है नाउएडेज। तो ये हमने पढ़ लिया डिफरेंट एनिमल्स सोर्स ऑफ ड्रग और उससे क्या क्या हमको जो है ड्रग ऑप्टेन होता है इसके बारे में हमने जाना। और ये जितने भी ड्रग है जो हमको एनिमल्स से मिलते थे तो एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता था इन ड्रग्स को ऑप्टेन करने के लिए। इसलिए नाउ ए डेज बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजीज मीन्स बायोटेक्नोलॉजिकल मैथड से जैसे RDNA टेक्नोलॉजी से या सिंथेटिक प्रोसेस से इन जो केमिकल्स या इन ड्रग्स की सिंथेसिस की जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया आज के वीडियो में प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग और एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्राइन सोर्स एंड प्लांट टिश्यू कल्चर एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।